कोरोना काल में नगर निगम शिमला द्वारा बढ़ाए जा रहे पानी के बिलों एवं अन्य करों को लेकर DYFI ने मेयर शिमला सत्या कौंडल को ज्ञापन सौंपा और मांग उठाई कि कोरोना काल में पानी और करों में वृद्धि करना जनता के हितों के साथ खिलवाड़ है। बंदर और कुत्ते पहले ही राजधानी शिमला के लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, जिनकी समस्या को तो निगम आज तक हल नहीं कर पाया है। DYFI का कहना है कि समस्याओं से निजात दिलाने के बजाय नगर निगम शिमला लोगों पर पानी एवं कोरोना का बोझ डाल रहा है। उधर नगर निगम शिमला की मेयर सत्या कौंडल ने कहा कि पानी के बढ़े हुए बिलों व करों को लेकर निगम का हाउस भी बुलाया गया है, जिसमें चर्चा कर प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। इसमें अंतिम निर्णय सरकार को ही लेना है। रही बात बंदरों व कुत्तों की, तो इनको मार नहीं सकते हैं। और कुत्तों के जो समस्या है ये बहुत दिनों से चल रही है, इसके लिए हम भी गंभीर है और सरकार भी गंभीर है। आपको पता ही है कि इनको ना तो कोई मार सकता है ना इनको कहीं छोड़ सकते हैं। हमने पहले भी एक बार ट्राई करी थी इनके लिए, हमने बुढ़ाड़ी में जो है डॉग हट बनाए थे वो हमने रखा था, और हमारे शहर के लोगों ने बताया था कि जितने भी होटल्स वगैरह का जो वेस्ट खाना होगा हम उनको वहाँ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये किसी ने नहीं किया। लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि हम किस तरह से, हम सब इसके बारे में बहुत गंभीर है कि हम शिमला शहर को इनसे कैसे निजात ला सकते हैं। तो इसके बारे में हमने माननीय जो हमारे अरुण डेवलपमेंट मंत्री जी है उनके समक्ष भी हमने समस्या रखी है और सरकार के समक्ष भी हम इस समस्या को रख सकेंगे। हमारा मानना तो ये है अगर पॉसिबल हुआ कि हम कहीं डॉग्स को जो है कहीं एक जो है डॉग्स हट बनाएं और उनको वहाँ कोई फूड कौन प्रोवाइड करेगा, इस तरह के जो हम आपस में जो हमारे पास्टर्स है हम सब गंभीर है इस मामले में, हम सब पास्टर लोग भी इसमें एक मीटिंग करेंगे कि हम कुत्तों को और बंदरों को किस तरह से शिमला शहर को निजात दे सकते हैं। आपने भी देख रहे होगा कि जितने भी हमारे चाहे पास्टर्स है, माननीय पार्षद है, चाहे हमारे मंत्री जी है, और हर समय जो है जंगलों में जा करके जो है प्लांटेशन कर रहे हैं, जिसमें जहाँ तक प्लांटेशन जो है फूलों की जा रही है और फ्रूट्स लगाए जा रहे हैं कि ये जो बंदर है ये जो है मतलब जंगलों में ही रहे, शहर की तरफ नहीं आए। इस तरह की हम और पूरे शहर में जहाँ जहाँ बंदरों का ज़्यादा वो है क्या बोलते हैं आतंक है, वहाँ पर पिंजरे लगाए जा रहे हैं इनको पकने के लिए, इनकी नशाबंदी करवाई जा रही है। और जैसे कि हमने देखा होगा कि नगर निगम ने एक मुहिम चलाई थी डॉग अडॉप्ट करने के लिए, इसमें बहुत सारे लोगों ने जो है डॉग भी अडॉप्ट किए हैं, और जबकि इसमें जो है नगर निगम को इस मुहिम जो चलाई नगर निगम इसमें हमारे को जो है प्राइज़ भी मिला है, हम सेकंड प्राइज़ हमारे को मिला है, जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अप्रिशिएट किया है। तो हर संभव हर तरीके से जो है हम चाह रहे हैं कि इनसे जो है लोगों को जो है निजात मिले डॉग और बंदरों से। जो है हमने महापौर को जो है ज्ञापन सौंपा है, आज हम लोग सभी लोग जानते हैं कि नगर निगम का आज हाउस है और हाउस के माध्यम से हम लोग जो है ये चाहते हैं कि शिमला शहर के अंदर जो समस्याएं हैं वो हाउस में चर्चा की जाए। इसमें हमने मुख्यतः महापौर से जो मांगे रखी हैं वो है शिमला शहर के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से लगातार जो है कुत्तों की समस्या हो, बंदरों की समस्या हो, आवारा पशुओं की समस्या हो लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले एक दो महीने पहले यहाँ शिमला शहर के अंदर भी एक युवती को जो है बंदर द्वारा जो है धक्का दे दिया गया जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, और पिछले दो दिनों के भीतर जो है शिमला शहर के फिंगा स्टेट के अंदर एक युवती का जो है मोबाइल जो है लेकर बंदर जंगलों के अंदर भाग गया। इस तरीके से लगातार जो है बंदर जो है लगातार शहर के अंदर आतंक जो है बढ़ा रहे हैं, और शिमला शहर के अंदर अगर हम माल रोड की बात करें तो यहाँ पर जगह जगह जो है कुत्तों जो है बैठे हुए हैं और कुत्तों की समस्या भी है जो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस कोरोना महामारी के समय में कूड़े के बिलों के अंदर जो है लगातार जो है बढ़ोतरी की गई है, लोगों को जो है 5-5, 10-10 हज़ार के जो है कूड़े के बिल जो है वो थमा दिए गए हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग जो है शहर से बाहर थे परंतु फिर भी उनको जो है इतने बिल थमा दिए गए हैं। तो हमने ये मांग की है कि इस कोरोना के समय के अंदर जो है इन कूड़े के बिलों को जो है माफ किया जाए। PRTV के लिए शिमला से पुष्पिंदर की रिपोर्ट।